वेलकम टू एग्ज़ाम स्कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। इंग्लिश पैडागॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी टेट, यू पी टेट, एम पी टेट, के वी एस में बहुत काम आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश पैडागॉजी का सिलेबस बताना चाहूँगी, जो कि हम अपनी वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज भी कवर करेंगे हम, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज स्किल्स, वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, रेमिडियल टीचिंग। ये सारा सिलेबस है जो कि इंग्लिश पैडागोजी में हम कवर करेंगे। सो सबसे पहले लैंग्वेज क्या है, हमारा एक वीडियो भी है लैंग्वेज का कि लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज नाम से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उस वीडियो को देखिए जानने के लिए कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट ह्यूमंस यूज। भाषा जो है वो एक ऐसा प्राथमिक रूप है कम्युनिकेशन का, संवाद का, जिसे कि इंसान प्रयोग में लाता है। कहने का अर्थ ये है कि जब कोई मनुष्य है तो उसे संवाद स्थापित करना होता है, तो वो जिस प्राइमरी फॉर्म का यूज़ करता है वो है लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा है उसे इंसान अपने मन के विचारों और भावों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करता है, साथ ही कोई दूसरा व्यक्ति भी अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए उसी माध्यम का यूज़ करता है। However, language is not something that is taught to children. लेकिन फिर भी जो भाषा है वो ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चों को पढ़ाई जाए, that is taught to children. क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है उसे language taught नहीं की जाती, वो हमेशा अपने environment और अपनी जो family में वो जब घिरा होता है, उनके members को words बोलते हुए देखता है, उनको imitate करता है, उससे वो उन चीज़ों को acquire करता है। तो a child will pick up his हर नेटिव लैंग्वेज जस्ट बाई बींग अराउंड अदर पीपल ऑफ मेनली देयर फैमिलीज। तो एक बच्चा जो है उसे कभी भी लैंग्वेज टॉट नहीं की जाती, वो हमेशा अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखता है अपनी फैमिली के बीच में रहने से। जब वो कई लोगों से घिरा हुआ होता है तो वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को इमिटेट करता है और उस वातावरण में उस नेटिव लैंग्वेज को वो अक्वायर कर लेता है। दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। ये भाषा का अधिग्रहण कहलाता है। अधिग्रहण मीन्स अर्जन। द चाइल्ड अक्वायर्स द लैंग्वेज विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट और स्टडी। तो बच्चा जो है वो लैंग्वेज को अक्वायर करता है बिना किसी कॉन्शियस थॉट के और स्टडी के, यानी कि बिना किसी अध्ययन और विचार के सचेत हुए वो लैंग्वेज को अक्वायर कर लेता है। इनफैक्ट बाय द टाइम अ चाइल्ड इज 5 years old, ही शी कैन एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड ऑलमोस्ट परफेक्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लैंग्वेज। वास्तव में हम देखें तो एक बच्चा जो 5 साल का है वो अपने आइडियाज़ को बिल्कुल स्पष्ट रूप से, परफेक्टली लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस कर देता है। दिस इज़ डिस्पाइट एनी फॉर्मल स्टडिंग ऑफ द लैंग्वेज। तो वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाता है क्लियरली लैंग्वेज की फॉर्मल स्टडिंग के बिना, यानी कि उसका जो अध्ययन होता है उसके बिना ही वो अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाता है, एक 5 साल का बच्चा जो है। ऑन द अदर हैंड, लर्निंग इज अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज। अब जहाँ तक मैंने आपको बताया एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन ये है कि बच्चा है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि वो वातावरण से सीखता है, वो माहौल से सीखता है, उसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं है। कहने का मतलब ये है उसका कोई सिस्टम नहीं होता है, वो बच्चा खुद सीखता है। जो एक्विजिशन है, जो अधिग्रहण होता है, वो बच्चा खुद करता है। लेकिन अगर लैंग्वेज को लर्न करना है तो वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, लर्निंग को हम देखें तो वो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है लैंग्वेज का। दिस इज द प्रोसेस दैट मोस्ट पीपल फॉलो व्हेन ट्राइंग टू लर्न अनदर लैंग्वेज। ये वो प्रक्रिया है जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं जब वो किसी एक अन्य भाषा को सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। हेयर द स्टूडेंट इज मेड टू स्टडी लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी एज वेल एज सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर। अब जो लर्निंग मेथड है, इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखना है तो उसे पहले तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की वोकेबुलरी की लिस्ट जो है वो स्टडी करनी पड़ती है, साथ ही साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर भाषा का और उसका ग्रामर। लाइक आप स्कूल्स में देखते भी हैं, जब हम किसी लैंग्वेज को लर्न करना सिखाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, तो हम सबसे पहले उसकी वोकेबुलरी मजबूत कराते हैं बच्चों की, उसके बाद सेंटेंस मेकिंग बताते हैं, साथ ही साथ फिर हम उसके व्याकरण की जानकारी भी देते हैं। हिंदी है तो उसमें भी व्याकरण इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि उस भाषा को अच्छे से पढ़ना, लिखना और बोलना आ सके। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी सेंटेंस मेकिंग, ग्रामर, ये सब इसीलिए सिखाया जाता है ताकि बच्चा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को अच्छे से लर्न कर सके। तो ये प्रोसेस लर्निंग कहलाता है क्योंकि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन स्कूल्स एंड लैंग्वेज लर्निंग सेंटर्स। ये एक बहुत ही साधारण मेथड है
इसका यूज़ हम देखते हैं कि विद्यालयों में किया जाता है, और साथ ही साथ जो लैंग्वेज लर्निंग के सेंटर्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए सेंटर्स बने होते हैं। आजकल आप देख भी रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो कोई फ्रेंच सिखाता है, कोई जापनीज सिखाता है, तो वो लैंग्वेज लर्निंग सेंटर्स जो हैं वो इन सब मेथड को फॉलो करते हैं। पहले वोकेबुलरी सिखाते हैं, स्टडी लिस्ट कराते हैं उनकी, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर उनका, और लास्ट में ग्रामर। तो ये कॉमन मेथड यूज़ किया जाता है स्कूल्स और लैंग्वेज लर्निंग सेंटर्स में। लैंग्वेज लर्निंग इज़ जनरली कंसीडर्ड टू बी अ स्लोअर प्रोसेस दैन लैंग्वेज एक्विजिशंस। देखा जाए तो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एक स्लोअर प्रोसेस है, धीमा प्रोसेस है, क्योंकि जो एक्विजिशन है वो उससे ज़्यादा तेज प्रोसेस है। लेकिन अगर हमें किसी लैंग्वेज को पर्टिकुलर अच्छे से लर्न करना है, उसे सीखना है, तो वो एक धीमा प्रोसेस है लैंग्वेज एक्विजिशन से। देयर आर पीपल हु स्टडी अ लैंग्वेज फॉर ईयर्स विदाउट मास्टरिंग इट। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक लैंग्वेज को बहुत सालों से पढ़ रहे हैं बिना उसकी मास्टरिंग किए हुए, विच मीन्स कि बिना उसमें कुशलता प्राप्त किए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं। मेन डिफरेंस इज दैट एक्विजिशन इज द मैनर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज बाय इमर्जन। सो मुख्य अंतर ये है एक्विजिशन में कि उसमें हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं उस मैनर में, बाय इमर्जन। इमर्जन यानी कि जो हमें सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो भी एनवायरनमेंट हमें मिलता है, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, उसी से हम भाषा को अधिग्रहण कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। यानी कि एक्विजिशन एक तरीके से स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देता है लैंग्वेज की प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट माइट not known the grammar rule but is still able to immaculately converse with a native। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट जिसे ग्रामर रूल नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो जो नेटिव है उसके साथ संवाद स्थापित कर सकता है, इमैक्युलेटली मींस विशुद्ध रूप से अपनी बात को रख सकता है। वेयर एज लर्निंग फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज। जबकि अगर हम किसी लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो वो उसकी थियोरेटिकल लैंग्वेज की थियोरेटिकल नॉलेज देता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो वो लैंग्वेज की प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, हमें प्रोवाइड करता है, और अगर हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो उससे हमें थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है, वो प्रोवाइड करती है थियोरेटिकल नॉलेज। इन दिस केस द स्टूडेंट माइट नो ऑल द प्रॉपर ग्रामर रूल्स एंड द करेक्ट वेज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। अगर हम इस केस में देखें, किसी भी लैंग्वेज को जब हम लर्न करते हैं तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो सारे ग्रामेटिकल रूल्स जान जाता है और सेंटेंस के करेक्ट वेज जान जाता है स्ट्रक्चरिंग की, कि किसी भी सेंटेंस को बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका तरीका प्रॉपर जो है वो क्या है। बट माइट स्टिल लैक द कॉन्फिडेंस टू हैव अ कन्वर्सेशन विद अ नेटिव। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी लैंग्वेज को ग्रामेटिकल रूल्स भी आ जाते हैं, करेक्ट वेज भी आ जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का, लेकिन कई बार कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता कन्वर्सेशन करने का नेटिव के साथ। यानी कि आपने देखा भी होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज सब पढ़ते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स भी आते हैं, टेंसेस भी सीखते हैं, हर चीज़ आ जाती है, सेंटेंस मेकिंग भी आ जाती है, लेकिन लोगों में हेजिटेशन होती है, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि वो कन्वर्सेशन कर सके किसी इंग्लिश स्पीकर से। तो यहाँ पर मैं आपको इतना एक डिफरेंस और बताना चाहती हूँ कि जो हम लैंग्वेज लर्न करते हैं, अगर किसी लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो उससे हमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है लैंग्वेज की, जबकि हम अगर एक्विजिशन की बात करें, अधिग्रहण की, तो अगर हम एक्विजिशन की बात करें, एक्विजिशन में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। एक्विजिशन अधिग्रहण होता है और लर्निंग होता है अधिगम। सो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। फिर भी मैंने आपको इससे पहले थोड़े बहुत पॉइंट्स बता दिए कि क्या अंतर है दोनों में। अब हम कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या है और लैंग्वेज लर्निंग का क्या है। व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। एक्विजिशन अधिग्रहण यानी कि अर्जन करना। जब हम किसी भाषा को सीखते हैं नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के, तो वो एक्विजिशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लर्निंग में क्या होता है कि हम सिस्टमैटिक वे में हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन में, भाषा के अधिग्रहण में, हम भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखते हैं बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के, तो ये एक्विजिशन होता है, अधिग्रहण होता है। चिल्ड्रन अक्वायर एंड लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज मदर टंग व्हेन इट इज़ यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे जो हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को लर्न करते हैं या एक्वायर करते हैं, अर्जन करते हैं, जो उनकी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में उसे एक्वायर करते हैं, तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन है।
कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग न्यू स्किल्स और नॉलेज एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑल्सो. लैंग्वेज को लर्न करना, किसी भी लैंग्वेज का जो एक तरीके से भाषा का जो अधिगम है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम नए स्किल्स को अक्वायर करते हैं और नॉलेज को भी अक्वायर करते हैं, और जो हमारे भाषा के स्किल्स हैं, एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, उन्हें भी इम्प्रूव करते हैं. यानी कि जो हमें चीज़ें आती हैं भाषा से संबंधित, जो वर्ड्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, उन सब चीज़ों को हम और इम्प्रूव भी करते हैं और लैंग्वेज के नए स्किल्स और नॉलेज को अक्वायर भी करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में. तो ये होता है लैंग्वेज लर्निंग. लर्नर लर्न्स द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी. जो भाषा सीखने वाला है वो ग्रामर के रूल्स को जो है वो लर्न करता है और साथ ही उसकी वोकेबलरी भी सीखता है. फैक्टर्स सच एज एनवायरमेंट, लर्नर्स एबिलिटी एंड मोटिवेशन, टीचर्स कैपेबिलिटीज एंड वेज ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज ऑल इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स लर्निंग एक्सपीरियंस. फैक्टर्स जैसे कि वातावरण हो गया, सीखने वाले की एबिलिटी योग्यता, मोटिवेशन, टीचर की जो कैपेबिलिटी है सिखाने की क्षमता, और नॉलेज को प्रदान करने के जो तरीके होते हैं, ये सभी चीज़ें बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंस पर प्रभाव डालते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं. तो ऐसे फैक्टर्स जैसे कि वातावरण हो गया, सीखने वाले की योग्यता हो गई, मोटिवेशन हो गया, टीचर की कैपेबिलिटी हो गई, नॉलेज को प्रदान करने के जो तरीके हो गए, ये सब चाइल्ड यानी कि जो बच्चा है उसके लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्पैक्ट करते हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लैंग्वेज एक्विजिशन. लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सबसे पहली बात, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि जो भाषा का अधिग्रहण होता है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. नो ग्रामेटिकल रूल्स, इसमें कोई भी ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम भाषा को प्राकृतिक रूप से लर्न करते हैं, सीखते हैं, बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के, वो एक्विजिशन होता है. तो ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है, इसमें ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते हैं, हम इसमें ग्रामेटिकल चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं. मीनिंग पिकिंग अप अ लैंग्वेज, इसका जो अर्थ है वो है लैंग्वेज को पिकअप करना. मेन फोकस होता है प्रैक्टिकल नॉलेज पर, यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है इसमें फोकस रहता है प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो, यानी कि इसका जो मेन लक्ष्य है वो है जो ज्ञान अर्जित करना, जो प्रैक्टिकल हो, व्यावहारिक ज्ञान हो, उसे प्राप्त करना ही इसका फोकस होता है. कैपेसिटी टू परसीव, प्रोड्यूस एंड यूज वर्ड्स. लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है कि हम वर्ड्स को यूज भी करते हैं, उनको प्रोड्यूस उत्पन्न भी करते हैं, और साथ साथ उनको परसीव भी करते हैं, समझते भी हैं. सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो एक तरीके की प्रक्रिया है जो कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस यानी कि अनअवेयर प्रोसेस है लर्निंग का, यानी कि जो इसमें जो प्रोसेस है ये लर्निंग का वो अनअवेयर होता है, कॉन्शियस रूप में नहीं होता है, अनकॉन्शियस में होता है. अर्थात ये एक अचेतन्य प्रक्रिया है लर्निंग की. डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड. जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो डिपेंड करती है एटीट्यूड पर. स्टेबल ऑर्डर ऑफ लर्निंग. जो लर्निंग का ऑर्डर है वो स्टेबल रहता है, यानी कि स्थिर रहता है. लैंग्वेज एक्विजिशन, अगर भाषा का हम अधिग्रहण करते हैं तो इसमें अगर हम कुछ भी सीखते हैं तो वो स्थिर होता है. लेकिन अगर हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करें, उसमें क्या होता है कि पहले हम सिंपल चीज़ों को सीखते हैं, फिर सिंपल से हम मीडियम पर जाते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर जाते हैं. तो वो लर्निंग में होता है, उसमें जो उसका ऑर्डर होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है. लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन में जो लर्निंग का ऑर्डर है वो स्टेबल स्थाई रहता है. माइट बी वोकल और मैनुअल. यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, भाषा अधिग्रहण है, वो वोकल भी हो सकती है और मैनुअल भी हो सकती है. वोकल यानी कि उसमें बोलना भी हो सकता है अधिग्रहण में, और मैनुअल इशारों के द्वारा भी अधिग्रहण किया जा सकता है, हाँ या ना में. इनफॉर्मल टीचिंग. इनफॉर्मल टीचिंग है क्योंकि इसमें कोई एक तरीके से, जैसे अगर हम फॉर्मल टीचिंग होती है उसमें प्रोसेस होता है एक लर्निंग का, उसमें टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल को टीचर को फॉलो करना पड़ता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है, वो फॉर्मल टीचिंग हो गई. लेकिन जो एक्विजिशन है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये टाइम टेबल, सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं होता. तो ये एक इनफॉर्मल टीचिंग है. इट इज़ आल्सो नोन एज फर्स्ट लैंग्वेज. इसे माना जाता है फर्स्ट लैंग्वेज अधिग्रहण, क्योंकि आपको पता ही है कि इसे हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से और ये हम प्राकृतिक रूप से अधिग्रहण करते हैं भाषा का. इसे हम प्रॉपर तरीके से लर्न नहीं करते हैं ग्रामेटिकल रूल्स की तरह, वोकैबुलरी की तरह. भाषा अधिग्रहण का जो प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. तो इसे माना जाता है फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग भी. जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो मदर टंग है वो मातृभाषा होती है, नेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज भी. नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लैंग्वेज लर्निंग. ये एक लर्न्ड प्रोसेस है क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ
सीखते हैं, लर्न करते हैं। ग्रामेटिकल रूल्स हम इसमें सीखते हैं लैंग्वेज लर्निंग में, यानी कि किसी भी भाषा को जब हम सीखते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल रूल्स को सीखा जाता है, मीनिंग स्टडिंग अ लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब अर्थ होता है किसी लैंग्वेज को पिकअप करना, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग अगर देखी जाए तो इसका मतलब है लैंग्वेज को स्टडी करना, भाषा का पूर्णतः अध्ययन करना। इसका फोकस होता है थ्योरेटिकल नॉलेज पर, सैद्धांतिक ज्ञान पर। कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग है तो ये कॉन्शियस प्रोसेस होता है क्योंकि ये चेतन अवस्था में होता है। इसमें हम कुछ भी लर्न अगर करते हैं तो वो अवेयर अवस्था में करते हैं। फॉर्मल टीचिंग है क्योंकि जब भी कोई टीचर टीच कर रहा होता है तो उसको पर्टिकुलर एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है, सिलेबस है उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, तो फॉर्मल टीचिंग है। नॉट सूटेबल फॉर एवरी एज, लर्निंग जो है वो सूटेबल नहीं है हर एज के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किंडरगार्टन को देखिए, किंडरगार्टन जो होता है जैसे नर्सरी टू केजी तक के बच्चे होते हैं तो उनके लिए लर्निंग प्रोसेस सही नहीं होता है। उसमें हम बच्चों को अगर सिखाते हैं तो ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, रिकॉग्निशन सिखाते हैं, आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं। लर्निंग प्रोसेस ऐसे एज के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो लर्निंग जो है वो सूटेबल नहीं है हर एज के लिए, लाइक किंडरगार्टन सेक्शन। डिपेंड्स ऑन एप्टीट्यूड, ये निर्भर करता है कौशल पर, योग्यता पर। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर ऑफ लर्निंग, लर्निंग का जो ऑर्डर है वो रहता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब हम चीज़ों को मतलब लैंग्वेज को हम लर्न करना सीखते हैं तो जब भी किसी चीज़ को सीखेंगे तो पहले हम सिंपल चीज़ों को सीखते हैं, सरल से फिर जटिल की ओर जाते हैं। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्डर रहता है लर्निंग का। जो लैंग्वेज लर्निंग है इसे सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है, फॉरेन लैंग्वेज भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसे मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं, तो जो लर्निंग लैंग्वेज है वो एक तरीके से सेकेंड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग एक्विजिशन की, भाषा अधिग्रहण की जो स्टेजेस हैं क्या हैं। जैसे कि कोई भी जो बच्चा होता है तो लगभग 6 माह तक कूइंग करना सीखता है। कूइंग यानी कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ आवाज़ें निकालता है, कूं का इस टाइप की, तो ये 6 वीक्स तक उसकी जो लर्निंग एक्विजिशन जो की जो स्टेज है वो रहती है कूइंग। नेक्स्ट स्टेज आती है 6 मंथ तक की, 6 हफ्ते तक बच्चा कूइंग करता है और लगभग 6 महीने तक वो बैबलिंग करता है। बैबलिंग यानी कि बड़बड़ाना, जो चीज़ें समझ नहीं आती, बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो हमें समझ नहीं आता, उन्हें भूख लगती है तो कुछ ऐसा बोलते हैं जो माँ ही समझ पाती है, तो वो बैबलिंग होती है, बड़बड़ाना, तो वो लगभग 6 मंथ तक बच्चा करता है। उसके बाद स्टेज आती है 1 वर्ड स्टेज अराउंड 1 ईयर। 1 साल तक बच्चा उस अवस्था में होता है कि वो 1 वर्ड बोल सकता है, उस अवस्था में होता है, एक एक शब्द वो बोल लेता है, लाइक वो बोलना सीखता है मम्मी पापा पानी ये सब चीज़ें सीखता है, तो एक एक वर्ड बोलना वो सीख जाता है। 2 वर्ड स्टेज अराउंड 18 मंथ्स। 18 मंथ्स तक यानी कि 1.5 साल तक वो 2 वर्ड बोलना सीख जाता है, दो दो शब्दों को बोलने लगता है। लॉन्गर अट्रेंसेस 2 to 4 ईयर्स, 2 से 4 साल तक बच्चे जो हैं वो लंबे वाक्यों को बोलना स्टार्ट कर देते हैं, 2 से 4 साल तक वो सेंटेंसेस में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंस की, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या डिफरेंस है, कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम। तो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया जो भाषा अधिग्रहण है उसका मतलब है पिकिंग अप अ लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखना बिना उसको पढ़े, तो ये एक तरीके से भाषा अधिग्रहण कहलाता है। आपने देखा भी होगा कि भाषा अधिग्रहण में जैसे कि हम ग्रामेटिकल रूल्स लर्न नहीं करते और नेचुरली प्रोसेस है वो हम खुद उसे अर्जित करते हैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन एक तरीके से मतलब ये हुआ कि हम किसी भाषा को सीख रहे हैं बिना उसे पढ़े, और लैंग्वेज लर्निंग एक तरीके से लैंग्वेज का अध्ययन करना, उसे स्टडी करना। लैंग्वेज एक्विजिशन नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रोसेस है जिसमें कि हम सीखते हैं भाषा को लेकिन प्राकृतिक तरीके से सीखते हैं, और लैंग्वेज लर्निंग में वो एक लर्न्ड प्रोसेस है, यानी कि हम जो भी कुछ लैंग्वेज के बारे में सीख रहे हैं उसे लर्न्ड भी कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर भाषा से रिलेटेड हम ग्रामेटिकल रूल्स को भी लर्न्ड कर रहे हैं, तो ये एक लर्न्ड प्रोसेस। सबकॉन्शियस कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, भाषा अधिग्रहण जो है वो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। इस प्रक्रिया में जो है अचेतन अवस्था होती है, गैर इरादतन इसे हम सीख सकते हैं, और ये कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। लैंग्वेज लर्निंग जो है इसमें जो है हम अवेयर रहते हैं और तब जाकर चीज़ों को हम लर्न करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन में, भाषा अधिग्रहण में ग्रामेटिकल रूल्स हम लर्न नहीं करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामर रूल्स को हम लर्न करते हैं। फॉर्मल टीचिंग नहीं होती है लैंग्वेज
एक्विजिशन में, क्योंकि जो भाषा अधिग्रहण है उसमें कोई ऐसा मतलब टीचर नहीं होता है और हम चीज़ों को सीखते हैं एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के माहौल से। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि एक टाइम टेबल है उसको फॉलो करना है, सिलेबस है उसे कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाषा अधिग्रहण में। जबकि लैंग्वेज लर्निंग में फॉर्मल टीचिंग होती है, एक प्रॉपर टाइम टेबल है उसको फॉलो करना पड़ता है, सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो वो फॉर्मल टीचिंग होती है लैंग्वेज लर्निंग में। फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्पोकन एस्पेक्ट गिव एनवायरमेंट और एक्सपोजर टू चाइल्ड। जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, भाषा अधिग्रहण है, उसका मेन फोकस होता है कम्युनिकेशन पर, यानी कि बातचीत पर। इस चीज पर उसका मेन फोकस रहता है, स्पोकन यानी कि बोलने के पहलुओं पर, कि हम भाषा को सीखें वो बोलने के पहलू से सीखें, अभी उसको लर्न करने के प्रोसेस से ना सीखें कि हम उसे गहराई तक अध्ययन करें, ऐसा नहीं। उसे सीखा जाता है कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज एक्विजिशन में, भाषा अधिग्रहण में। तो उसमें स्पोकन एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है, बोलने के पहलुओं पे ध्यान दिया जाता है, और ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, एक्सपोजर दिया जाता है, जिससे कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो कम्युनिकेट कर सके। लैंग्वेज लर्निंग में जो है वो फोकस होता है रीडिंग और राइटिंग रूल्स। जो चाइल्ड है, बच्चे को राइटिंग रूल्स भी आने चाहिए और रीडिंग से रिलेटेड जो है रूल्स भी आने चाहिए, ग्रामेटिकल रूल्स भी आने चाहिए। ये सब लैंग्वेज लर्निंग में चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इनफॉर्मल सिचुएशंस, फॉर्मल सिचुएशंस, परिस्थितियाँ इनफॉर्मल होती हैं भाषा अधिग्रहण में, और लैंग्वेज में फॉर्मल सिचुएशन होती है, क्योंकि फॉर्मल टीचिंग है तो जो स्थितियाँ बनती हैं वो फॉर्मल सिचुएशंस होती हैं, और भाषा अधिग्रहण में जो सिचुएशंस होती हैं वो इनफॉर्मल होती हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिपेंड करता है, निर्भर करता है एटीट्यूड पर, यानी कि मनोदृष्टि पर डिपेंड करता है, अभिवृत्ति पर, और जो लैंग्वेज लर्निंग है वो डिपेंड करती है एप्टीट्यूड पर, यानी कि योग्यता पर। स्टेबल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण में क्या होता है, जो भी चीज़ हम लर्न करते हैं उसका एक ऑर्डर जो है वो स्टेबल है, वो स्थिर है, स्थिर प्रक्रिया है सीखने की। और लैंग्वेज लर्निंग जो है उसमें जो ऑर्डर रहता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जब भी हम किसी लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो पहले हम सिंपल साधारण चीज़ों को सीखते हैं, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स पर आते हैं, साधारण से जटिल की ओर। प्रोसीड्स रैपिडली, भाषा अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही तेजी से होती है, क्योंकि जब हम किसी भाषा का जो अर्जन करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, तो वो तेजी से होता है। लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग है, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल रूल्स भी सीखते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ओर हम जाते हैं, वोकेबलरी लर्न होती है, हमारी वोकेबलरी बढ़ती भी है, ग्रामेटिकल रूल्स भी लर्न होते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो अपेक्षाकृत रिलेटिवली स्लोली है, यानी कि बहुत धीमी प्रोसेस है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से आप अगर एक फर्स्ट के बच्चे की बुक उठाओ और थर्ड के बच्चे की बुक उठाओगे, तो आपको ये लगेगा कि हम फर्स्ट में जो चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो वो एक शॉर्ट उसमें होता है, लेकिन उसी चीज़ को आप थर्ड या एट्थ क्लास की बुक में देखोगे तो वो डिटेल्ड में होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो स्लोली होता रहता है, और सिस्टमेटिक वे में जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, एज बढ़ती है, तो वो चीज़ें और वाइड होती जाती हैं लर्निंग में। तो एक्विजिशन एक तरीके से तेज़ी से होता है, और लैंग्वेज लर्निंग अगर देखी जाए तो ये एक धीमा प्रोसेस। हमारे आज के वीडियो में हमने इन चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम इन दोनों में क्या अंतर है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, जो कि इंग्लिश पैडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी टेट में, एमपी टेट में, एच टेट में, सी टेट में, टीजीटी में, तो ये सब इनमें काम आते हैं। तो हमारा ये टॉपिक जो है उसे आप अच्छे से देखिए, इसमें आपको डिफरेंस भी पूरा अच्छे से क्लियर किया गया है, और उस कॉन्सेप्ट को भी पूरा क्लियर किया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है और लैंग्वेज लर्निंग क्या है। इंग्लिश से जुड़े और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।